नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,933 हो गई है और इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 392 तक पहुंच गया है। देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 11,933 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 76 विदेशी मरीज शामिल हैं। अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित 1,344 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रकोप देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में अब तक 2,687 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 178 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 350 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर दिल्ली है, जहां अब तक कुल 1,561 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं। इस दौरान दो और लोगों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 30 हो गया है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 51 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 31 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,204 हो गई है तथा राज्य में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी करते हुए इस अवधि के दौरान सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर 3 मई तक रोक लगाई है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों में 20 अप्रैल से काम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने पर ही काम करने की अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध बनाया गया है और शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू किया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी बंद की अवधि बढ़ाकर 3 मई तक कर दी है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को ऐलान किया कि देश के चयनित इलाकों में 20 अप्रैल से चुनिंदा आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। देश भर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, चेहरा ढकना अनिवार्य कर दिया गया है और सभी कामकाजी स्थानों पर शरीर के तापमान की जांच के लिए पर्याप्त बंदोबस्त होंगे और सैनिटाइजर मुहैया कराए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बाद शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर गरीबों, बेघरों और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों EWS को तत्काल राहत देने के निर्देश संबंधी याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति एनवी रमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान रिकॉर्ड में लाने के बाद मामले का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने दलील दी कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण देश के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में वंचितों के समक्ष खाद्यान्न एवं अन्य जरूरी सामानों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसके बाद मेहता ने जमीन स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का उल्लेख किया, जिसे न्यायालय ने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। न्यायमूर्ति रमन ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत है कि वंचितों, गरीबों और EWS समुदाय के लोगों के लिए जमीन स्तर पर उपाय नहीं किए जा रहे हैं। इस पर मेहता ने कहा कि न्यायालय के पास इस बात का कोई कारण नहीं है कि वह केंद्र सरकार पर भरोसा ना करे। इस दौरान उन्होंने कोरोना के नाम पर तरह तरह की जनहित याचिकाएं दायर होने का भी विरोध किया। न्यायालय ने इसके बाद मामले का निपटारा किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि विभिन्न जगहों पर फंसे मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह मांग ऐसे समय की है जब लॉकडाउन के बावजूद मंगलवार को मुंबई और सूरत में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर सड़क पर एकत्र हो गए। कहा जा रहा है कि ये लोग अपने घर जाने की मांग कर रहे थे। प्रियंका ने ट्वीट किया कि आखिर हर बार हर विपत्ति गरीबों और मजदूरों पर ही क्यों टूटती है? उनकी स्थिति को ध्यान में रखकर फैसले क्यों नहीं लिए जाते? उन्हें भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिया जाता है? लॉकडाउन के दौरान रेलवे टिकटों की बुकिंग क्यों जारी थी? विशेष ट्रेनों का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि मजदूरों के पैसे खत्म हो रहे हैं, स्टॉक का राशन खत्म हो रहा है, वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, घर घाम जाना चाहते हैं, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अभी भी सही योजना के साथ इनकी मदद की व्यवस्था की जा सकती है। मजदूर इस देश की रीढ़ है, मोदी भगवान के लिए उनकी मदद कीजिए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब विश्व के अधिकतर देशों में फैल चुके इसके संक्रमण के कारण मरने वालों का आंकड़ा 1,25,000 से अधिक 1,25,691 हो गया है तथा अब तक 19,75,970 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। विश्व भर में अब तक 4.73 लाख लोग इस वायरस से ठीक भी हुए हैं। जॉन हॉपकिंग्स यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में
सर्वाधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा सबसे अधिक मौतें हुई हैं। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में यह महामारी विकराल रूप ले चुकी है। यहां पर अब तक 6,08,458 लोग इससे संक्रमित हुए हैं, जबकि 25,992 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में इस बीमारी से अब तक 47,763 लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका के बाद सबसे गंभीर रूप से प्रभावित यूरोपीय देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 21,067 लोगों की मौत हुई है और 1,62,488 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में अब तक 82,295 लोग इससे संक्रमित हुए हैं, जबकि 3,342 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई मौत के 80% मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे। वहीं स्पेन इस संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यहां अब तक 1,72,541 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 18,056 लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है। इस बीच कोरोना से संक्रमण और मौत के मामले में यूरोप के देश फ्रांस और जर्मनी में भी हालात काफी खराब हो चुके हैं। फ्रांस में अब तक 1,37,875 लोग इससे संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 15,729 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जर्मनी में कोरोना से 1,31,359 लोग संक्रमित हुए हैं और 3,294 लोगों की मौत हुई है। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस के खतरे के कारण देश भर में लॉकडाउन के 3 मई तक बढ़ने के कारण इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 13वें संस्करण को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। IPL का आयोजन 29 मार्च को होना था, लेकिन पहले लगाए गए लॉकडाउन के कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने पहले IPL को 15 अप्रैल तक स्थगित करने की घोषणा की थी। BCCI ने अभी तक इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है, लेकिन कई फ्रेंचाइजी टीमों ने यह पुष्टि कर दी है कि IPL 13 को स्थगित कर दिया गया है। IPL के लिए किसी नई विंडो को घोषणा नहीं की गई है। IPL के मुख्य संचालन अधिकारी हेमांग अमीन ने सभी 8 फ्रेंचाइजी टीमों को बुधवार की सुबह इस फैसले की जानकारी दी थी। हेमांग ने बताया कि लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ने के कारण IPL के फिलहाल होने की कोई संभावना नहीं है और इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा रहा है। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।